हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टू बॉक्स ऑफिस। बात करने वाले हैं जापान इस मूवी का थर्ड जेंडर सलेक्शन लेकर। बात करेंगे जिगर थान डबल एक्स इस मूवी का थर्ड जेंडर सलेक्शन लेकर। तो जानते हैं राघव लॉरेंस सर का जिगर थान डबल एक्स एक अच्छी फिल्म है। पॉजिटिव रिव्यू के साथ मूवी रिलीज हुआ। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही बढ़िया है। हमें जैसे एक्सपेक्ट था, राघव लॉरेंस सर का जिगर थान डबल एक्स उससे भी अच्छी कलेक्शन कर रहा है, जिसके वजह से हमें लगता है मूवी लाइफ टाइम में कम से कम 100 करोड़ प्लस बिजनेस करेगा। मूवी का कलेक्शन में अभी तक ड्रॉप देखने को नहीं मिला, जिसके वजह से मूवी पक्का 100 करोड़ प्लस बिजनेस कर सकता है। बात करेंगे इन दोनों लक्ष्यों को लेकर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और अगर चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना टू बॉक्स ऑफिस चैनल को। पर बात करें जापान को लेकर, इसमें का बजट है 50 करोड़ रुपीज। लीड रोल में है कार्तिक शिवा कुमार सर। सबने थर्ड जेंडर कंप्लीट का है। कार्तिक शिवा कुमार सर के जापान पूरी तरह से पॉजिटिव रिव्यू नहीं मिला, मूवी को मिक्स रिव्यू मिला, नेगेटिव रिव्यू मिला, जिसके वजह से मूवी का कलेक्शन भी खराब आया है। अपने थर्ड जेंडर में तमिलनाडु सेशन के 20 लैक्स, वेस्ट मार्केट सेशन के 10 लैक्स, वर्ल्ड मार्केट सेशन के 35 लैक्स, उधर से घोषण है 43.75 लैक्स। आपने अभी तक जापान नहीं देखा, देख लेना कार्तिक शिवा कुमार सर का जापान कैसा लगा। मूवी लाइफ टाइम में और भी कितना पैसा कमा सकता है, कौन बता सकते हैं। अब बात करें जिगर थान डबल एक्स को लेकर, इसमें का बजट है 40 करोड़ रुपीज। लीड रोल में है राघव लॉरेंस सर। अपने थर्ड जेंडर कंप्लीट का है। राघव लॉरेंस सर का जिगर थान डबल एक्स पूरी तरह से पॉजिटिव रिव्यू से रिलीज हुआ। बॉक्स ऑफिस में अच्छी कलेक्शन किया। राघव लॉरेंस सर जो तमिल इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर है, तमिलनाडु के दर्शक फैमिली जॉनसन को सपोर्ट करते हैं उनके अच्छे एक्टिंग के वजह से। आप बता दो, वो सिर्फ एक एक्टर नहीं है, एक अच्छे डायरेक्टर भी है। उनके डायरेक्शन में बनने वाली बहुत फिल्म मेगा ब्लॉकबस्टर बना है। जिगर थान डबल एक्स ने अपने थर्ड जेंडर में तमिलनाडु सेशन का 1.50 लैक्स, ओवर मार्केट सेशन का 20 लैक्स, वाला मार्केट सेशन का 2.20 लैक्स, टोटल से घोषण 83 करोड़ रुपीज। आपने अभी तक जिगर थान डबल एक्स नहीं देखा, देख लेना। राघव लॉरेंस सर का ये फिल्म कैसा लगा, मूवी लाइफ टाइम और भी कितना पैसा कमाएगा, क्या मैसिव सक्सेसफुल फिल्म बनेगा, क्या लाइफ टाइम में मूवी 100 करोड़ प्लस बिजनेस कर पाएगा, कौन बता सकते हैं। धन्यवाद।